अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि प्लीज़ खुदा का वास्ता, आपको अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। जाने से पहले ना, सबसे पहले मुझे मम्मा का एक काम करना है, वो ये है कि इस दरख्त पे जितने लीमू लगे हुए हैं ना, वो उतारने हैं उनके लिए। लगता हूँ पड़ेगा नींबू प्लीज। टमाटो से खेलने का टास्क ना मुझे हर दो हफ्ते में एक दफा दिया जाता है, ताकि मेरी मम्मा ये उतार सके और पूरे मोहल्ले में बांट सके। क्या खाक व्लॉगिंग करनी है लड़के ने, घर के काम ही नहीं खत्म हो रहे। अभी मुझे जाना है कि देखें, ये इस छोटी सी सिलेंडरी में ना गैस भरवाने, क्योंकि ये इस्तेमाल होती है हमारे गीज़र के साथ, और जैसे कि सर्दियां आ चुकी हुई हैं और गीज़र का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा है, और गैस हुई वो जो है वो हुकूमत दे के राज़ी नहीं है, तो क्या करें। यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है, वो एक पंजाबी फिल्म का डायलॉग है कि चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। तो चिड़ी ठंडा पानी तो पी नहीं सकती, इसलिए गीज़र चलाना पड़ेगा, और हुकूमत के रहमो करम पर रहे तो ना ही पूछे। इस वजह से गैस भरवानी पड़ेगी इन छोटी छोटी सिलेंडरियों में, वो घर के लिए अलहदा से, ये गीज़र के लिए अलहदा से, क्या फ़ायदा हमें। जी मुझे ना जानना यह है कि मुझे ना किसी ने बताया था कि अगर आपको व्लॉग में सेक्सी दिखना है ना, तो गाड़ी का सहारा ले। तो वो इंसान क्या करे जिसके पास गाड़ी ना हो, जिसके पास एक माइक हो, वो इंसान क्या करे, वो ख़ुद को कैसे सेक्सी दिखाए व्लॉग्स में, प्लीज़ लेट मी नो। तो अभी मैं आया हुआ हूँ अपनी खाला के घर पे, जहाँ हम करते हैं पार्टी, और इस पार्टी में ना बहुत से लोग इनवाइटेड हैं, जिनमें मैं हूँ, मेरी मम्मा का बेटा है, मेरे पापा का बेटा है, मेरी बहन का भाई है, मेरे अलावा भी, और वो बहुत से लोगों को इनवाइट करती अगर मेरे माँ बाप ने कोई और पैदा किए होते, पर जबकि नहीं हुआ कोई, इसलिए उनने सिर्फ मुझे इनवाइट किया हुआ है। और ये पार्टी हम हर दूसरे दिन करते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में करने को और कुछ नहीं है, तो इस वजह से आज हम करेंगे फिर से पार्टी। और उस पार्टी में हम क्या बना रहे हैं, बारबेक्यू। तो वो बारबेक्यू करने वाला इकलौता शेफ मैं हूँ, इस वजह से। नशेबो फराज में कुछ ऐसे भी लम्हात आ जाते हैं जब इंसान बिल्कुल ना उम्मीद हो जाता है, जैसे कि आज हमें ये बारबेक्यू करना पड़ा है, और इसमें बहुत से ऐसे काम थे जो नहीं करने चाहिए एक इंसान को। सबसे पहले तो हमने एक मुर्गी का कत्ल किया, सरेआम रोड पर खड़ा करके उस मुर्गी का कत्ल किया गया है। उसके बाद हम लेके आए हैं इसे घर पे, उसे घर लेके आए हैं, उसको हमने गुसल दिया है, और उसके बाद ये बॉन फायर किया है, और उस बॉन फायर के ऊपर उसकी मौत का नंगा नाच किया गया है। लोगों को चाहिए कि ऐसे कामों से गुरेज करें, क्योंकि ये काम इंसानों को जेब नहीं देते। मुर्गी वैसे बढ़िया।